अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है Vivo V21 की फर्स्ट लुक और इसके फर्स्ट इंप्रेशंस। दोस्तों, Vivo V21 दो दिनों में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। अब जिस मोमेंट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसकी एग्जैक्ट प्राइस तो कंफर्म नहीं है, लेकिन एस्टिमेटेड प्राइस 55,000 से 60,000 पे है। अब यहाँ पे इसके हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट रखा गया है। साथ ही साथ मीडिया टेक की एक नई सीरीज वाला चिपसेट देखने को मिलता है। कैमराज डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा सारी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें आपको 8GB रैम प्लस 3GB रैम देखने को मिलती है, यानी कि टोटल 11GB रैम आपको देखने को मिलती है। तो आज करेंगे हम इसका क्विक रिव्यू और देखेंगे कि हमें V21 का वेट करना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अच्छी ना भी लगे तो एंड तक देख के जरूर बताइएगा कि मैं अपनी वीडियोस को मजीद अच्छा कैसे कर सकता हूं। तो अब आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं Vivo V21 के फर्स्ट इंप्रेशंस की तरफ। ओके जी, तो आज हमारे पास Vivo V21। अब दोस्तों, मेरे पास इसका बॉक्स नहीं आया था तो मैंने सोचा फर्स्ट इंप्रेशंस तो आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर कर दिए जाएं। अब यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात करते हैं। इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, काफ़ी एलिगेंट सा है, काफ़ी यूनिक सा है और काफ़ी खूबसूरत सा है। इस साइड पर आपको Vivo की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, साथ ही साथ बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। यहाँ पे अब फ्रेम की बात कर ली जाए तो फ्रेम भी इसका प्लास्टिक का बनाया गया, लेकिन इस पर कलर ऐसा किया गया कि ऐसा लगता है मेटल का है, लेकिन एक्चुअल ये प्लास्टिक का है। राइट साइड पे आपको पावर बटन देखने को मिलता है, साथ ही साथ वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं। टॉप पे जाएं तो यहाँ पे इसका नॉइस कैंसिलेशन माइक है। लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन रखी गई है, किसी किस्म की कोई चीज भी नहीं रखी गई यहाँ पे। नीचे वाले साइड पे आपको इसका सिम ट्रे देखने को मिलेगा, यहाँ पे माइक देखने को मिलेगा, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ओवरऑल यहाँ पे अगर हम डिवाइस के वेट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 178 ग्राम का है और मुझे उठाने में काफी कंफर्टेबल लग रहा है और काफी प्रीमियम फील आ रही है। तो अब दोस्तों, हम कर लेते हैं डिवाइस को ऑन और इसको सेटअप करने के बाद मैं आप लोगों के साथ दोबारा से मिलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारा फोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया था। जी हाँ दोस्तों, इसकी सिम सिचुएशन चेक कर लेते हैं कि किस तरह की सिम्स को सपोर्ट करता है ये फोन। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त में आप दो सिम्स चला सकते हैं या एक मेमोरी कार्ड और एक सिम चला सकते हैं, यानी कि एक वक्त में दो सिम्स के साथ हम मेमोरी कार्ड को यूज नहीं कर सकते। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके डिस्प्ले की। 6.44 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले लगाया गया है, जहाँ पे आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अब दोस्तों, ये डिस्प्ले HDR10+ को भी सपोर्ट करता है और यहाँ पे अगर ब्राइटनेस की बात की जाए तो 500 निट्स रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, डिस्प्ले मुझे काफी ब्राइट लग रहा है और काफी शार्प लग रहा है। आगे चल के दोस्तों, यहाँ पे इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर लें तो 1080x2400 पिक्सल्स है, जबकि PPI डेंसिटी की बात कर लें तो 409 है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर हम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 84.4 रखी गई है। दोस्तों, यहाँ पे बेजल्स काफी थिन रखे गए हैं और चिन भी काफी छोटी है, नॉर्मल साइज की है। तो ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मुझे काफी जबरदस्त लग रहा है। आगे चल के दोस्तों, इसके प्लेटफॉर्म की बात कर ली जाए तो Vivo V21 में आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 की सपोर्ट मिलती है, जो कि Vivo के अपने फन टच OS के साथ आता है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसके प्रोसेसर की बात कर लें तो 2.4 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अगर हम इसकी रैम की बात कर लें तो यहाँ पे 8GB रैम के साथ 3GB रैम है। अब इसका क्या मतलब है? जी दोस्तों, 8GB रैम तो आपने सुना होगा, लेकिन साथ में जो 3GB रैम है उसका बेसिकली मतलब ये है कि आपकी स्टोरेज को यूज करेगा एज अ रैम। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है और काफी नई टेक्नोलॉजी है कि आपकी स्टोरेज को यूज करके ये आपकी रैम को 11GB बना देगा। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग पार्ट लगा है। अब दोस्तों, यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज आपको 128GB देखने को मिलती है। यहाँ पे चिपसेट की बात की जाए तो मीडिया टेक का डायमेंसिटी 800U लगाया गया है, जो कि 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। साथ ही साथ ये चिपसेट 5G को भी सपोर्ट करता है और माली G57 का GPU लगाया गया है। अब इसके चिपसेट को लेके एक बेचारे यूट्यूबर की बहुत ज्यादा किट लगी फेसबुक ग्रुप में, उसने गलती से 720G बता दिया था जबकि एक्चुअल में इसमें 800U है। तो मैं ये आप लोगों को कहना चाहूंगा कि भाई, गलती किसी से भी हो सकती है। 720G एक बहुत नॉर्मल चिपसेट है और वो हर किसी की जबान पर चढ़ा हुआ है, स्पेशली हम यूट्यूबर्स की जबान पर चढ़ा हुआ है, तो गलती से आप टंग स्लिप हो जाती है और बोला जाता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर किया करें, डेफिनेटली वो लड़का बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करें, किसी का ये मकसद नहीं होता कि आपको मिसगाइड करे। आगे चल के दोस्तों, यहाँ पे हम इसके सिक्योरिटी फीचर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट मौजूद है। चेकआउट कर लेते हैं कैसा है इसका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर। अब क्योंकि यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले है तो फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले दिया गया, चेकआउट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिंगरप्रिंट सेंसर की मुझे स्पीड काफ़ी सॉलिड लग रही है और काफ़ी क्विकली अनलॉक कर रहा है। डेफिनेटली ये बहुत सारी डिवाइसेस से बहुत तेज़ है।
बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे बहुत क्विकली फ़ोन को अनलॉक कर रहा है। अब चेकआउट कर लेते हैं फेस अनलॉक की स्पीड को, और फेस अनलॉक की स्पीड बहुत अमेजिंग है। फ़ौरन से आपके फेस को डिटेक्ट कर रहा है और फ़ौरन से फ़ोन को अनलॉक कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। आगे चल के दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके मेन फीचर, इसके कैमरास की। तो वीवो V21 में बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल्स का है, अल्ट्रा वाइड लेंस 8 मेगापिक्सल्स का है और 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो शॉट्स के लिए लेंस है। फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड का कैमरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पे 44 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर लगाया गया है, जो कि ड्यू ड्रॉप में है। अब ड्यू ड्रॉप का ज़माना थोड़ा पुराना हो गया है, बट 44 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। और यहाँ पे इंप्रूवमेंट ये रखी गई है कि फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा में आपको OIS की सपोर्ट दी गई है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है और काफ़ी महंगी डिवाइसेज में होते हैं। खोल के देख लेते हैं इसका कैमरा और देखते हैं भाई कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको नाइट मोड देखने को मिलेगा, डेफिनेटली इसका कैमरा टेस्ट करेंगे उसमें नाइट मोड का एग्जैक्टली पता चलेगा। पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा, जिससे हम फ्रंट कैमरा से हमेशा की तरह अपनी एक सेल्फी लेते हैं और देखते हैं भाई क्या होता है हमारी सेल्फी के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये फ्रंट कैमरा से मैंने एक सेल्फी ली है और यहाँ पे रिजल्ट इज़ टू गुड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है फ्रंट कैमरा, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे देखने में। जी हाँ दोस्तों, एक एक डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रहा है, इवन दो मेरा बुढ़ापा भी यहाँ पे शो कर रहा है, देखें वाइट बालों को भी दिखा रहा है और यहाँ पे काफ़ी डिटेल दे रहा है। तो ओवरऑल फ्रंट कैमरा से मैं काफ़ी हद तक इंप्रेस हुआ हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे बैक साइड पे आपको फोटोज़ का भी मॉड देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे मॉड्स देखने को मिलते हैं। बुके मॉड मिलता है, ब्यूटी मॉड देखने को मिलता है, स्टाइल मॉड देखने को मिलता है। इनको टेस्ट आउट करेंगे इसके कैमरा रिव्यू में। फोटोज़ का मॉड देखने को मिलता है, जहाँ पे आप मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं। वीडियोज़ का मॉड देखने को मिलता है, जहाँ पे आप मैक्सिमम 4K पे वीडियोस को शूट कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पे। जी हाँ दोस्तों, और 60 फ्रेम पर सेकंड पे भी आप शूट कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैंने काफ़ी सारी डिवाइसेस देखी हैं जिनमें 4K की सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम आप 30 FPS पे वीडियोस को शूट कर सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यहाँ पे आप 60 FPS पे भी वीडियोस को शूट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन मोड भी दिया गया है, यानी कि अगर चलते हुए भागते हुए आप पिक्चर्स या वीडियोस को शूट करते हैं तो आपकी वीडियो शेक ही नहीं आएंगी। ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। आगे जाके दोस्तों मोर में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिस तरह हाई रेजोल्यूशन है, पैनो है, लाइव फोटोज़ है, स्लोमो है, टाइम लैप्स है, प्रो मोड है, AR स्टिकर्स है, डॉक्यूमेंट्स मोड है। जी हाँ दोस्तों, मॉड तो काफ़ी हैं और कैमरे का रिजल्ट भी मुझे काफ़ी सॉलिड लगा है, लेकिन एक्चुअल बात बनेगी इसकी प्राइस पे। देखना यह है कि ये किस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है। अब मेरी नज़र में अगर ये फ़ोन 55,000 रुपये के आसपास में लॉन्च होता है तो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होने वाला है। 11 GB रैम के साथ, इतने ज़बरदस्त कैमराज के साथ 55,000 में अगर ये लॉन्च हो जाता है तो डेफिनेटली ये एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होगा। आपका क्या कहना है कि किस रेंज में ये लॉन्च होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा इसका PUBG टेस्ट वगैरह चाहिए या इसका कैमरा टेस्ट चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीवो V21 के बारे में मज़ीद कुछ जानो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।